बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि गैल्वानिक सेल में केमिकल इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये प्रोसेस स्पोंटेनियस होता है। तो कोई भी प्रोसेस अगर स्पोंटेनियस है तो उसमें गिब्स इनर्जी चेंज नेगेटिव होनी चाहिए और यही आज हमने कैलकुलेट करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पोंटेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विद गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टोटल चार्ज दैट पासिस थ्रू द सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड EMF। इसको ई नाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाज बुक्स वाले सबस्क्रिप्ट में सेल लिख भी देते हैं, यानी ई नाट सेल लिख के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको सिंपली ई नाट से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेल पोटेंशियल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। इट मीन इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ यूनिट कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट दैट इज कॉल्ड जौल। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर पार्टिकल। व्हेन टू पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर आइदर दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। दिस प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज कॉल्ड चार्ज। इफ दे हैव सिमिलर चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। इफ टू पार्टिकल हैव अपोजिट चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड इफ दे हैव नो चार्ज देर विल बी नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। तो किसी पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। एंड मैथमेटिकली चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बींग ट्रांसफर्ड एंड फैराडेज कांस्टेंट। चार्ज की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है कूलम एंड कूलम इज द चार्ज टू डिपॉजिट 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो सिल्वर आयन कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। 0.0011 ग्राम ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड है दैट चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। हियर एफ इज फैराडेज कांस्टेंट। इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब और एक मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.02 × 10⁻²। तो एवोगैड्रोज नंबर को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। इट इज चार्ज कैरियड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही है जितना एक प्रोटॉन पे है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इलेक्ट चार्ज कैरियड बाई 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू राउंड अबाउट ये बनती है ऑलमोस्ट 96,485.3 कूलम्ब, लेकिन आम तौर पे इसको राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम्ब लिखा जाता है। नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क इज द मेजर ऑफ सेल पोटेंशियल। द मेजर्ड ईएमएफ और सेल पोटेंशियल
ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय सेल. इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट. एंड अगेन लेट मी से हेयर ई नॉट इज टोटल सेल पोटेंशियल. क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में एनोड और कैथोड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को भी ई नॉट से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो यहां पर ई नॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल पोटेंशियल को. Q इज इक्वल टू एन एफ, तो Q की ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. और ये जो नेगेटिव साइन साथ है ये इस वजह से है बिकॉज वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग. क्योंकि सेल वर्क कर रहा है, इस प्रोसेस में सेल सिस्टम है और सेल वर्क कर रहा है, इट मीन्स सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग. इसलिए इस इक्वेशन में हमने नेगेटिव साइन यूज किया है. नाउ गिब्स एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एंड इट इज रिटन लाइक दिस. इट इज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम. और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. This is the Gibbs energy. Again, here E naught is cell potential. N is number of moles of electron. और ये value हमेशा always positive होगी. Number of moles of electron transferred, it is always positive. F is Faraday's constant and its value is also positive. अगर E naught, अगर cell potential की value positive हो, then delta G will be negative. एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हुई देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. और सेल पोटेंशियल हमने फाइंड डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में. सेल पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. In this equation, the values of N and F are positive, therefore delta G is negative and process is spontaneous. Process is spontaneous only if E naught is positive. Again, Gibbs free energy change is this one, and we have also discussed that Gibbs free energy change may also be represented like this. Now we will discuss a relationship between cell potential and equilibrium constant. A relationship between cell potential and cell potential may be represented either by E naught, or we can also write it like E naught cell. We are going to discuss the relationship between cell potential and equilibrium constant. Cell potential is represented by E naught cell, or simply E naught.
वी नो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मे बी रिटन लाइक दिस एंड इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस. ये दोनों ही एक्सप्रेशन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए हैं. और अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, प्रीवियस लेक्चर में हम ये कंपेरिजन कर चुके हैं, देन वी कैन रिटन लाइक, वी कैन राइट लाइक दिस. और इस इक्वेशन को अगर माइनस एन एफ से डिवाइड कर दें, देन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज दिस वन. नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू और यूनिट. अगर रूम टेम्परेचर पे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें, देन 298 केल्विन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. ये तादाद चूंकि हमेशा ही डिफरेंट होगी, इसलिए इसको हम फिलहाल स्पेसिफाई नहीं कर रहे. एफ इज कूलम फेराडेज कांस्टेंट, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू. इनको जब आपने कैलकुलेट किया, देन वी गेट दिस वैल्यू 0.0257 डिवाइडेड बाई एन. दिस इज सेल पोटेंशियल. और यहां से अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके यूं लिख लिया. अब हमने यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम ई की पार बना दें, रेजिंग बोथ साइड्स एज पार ऑफ ई. नेचुरल लॉग को जब ई की पार बनाया तो नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया. नो आई थिंक लेट अस डिस नंबर दिस इक्वेशन एज वेल. दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, एंड आफ्टर कंपैरिजन we get equation 3 and final finally we get equation 4. Let this be equation number 4 and this is equation number 5. इक्वेशन 4 को अगर आप नेचुरल लॉ की बजाय कॉमन लॉ की टर्म में लिखें, ये देखें, ये इक्वेशन 4 है, इसमें अगर आप नेचुरल लॉ को कॉमन लॉ में कन्वर्ट कर दें, देन वी कैन राइट लाइक दिस. Having equation 4 in common log. Then natural log k will be equal to 2.303 log of k. Natural log k will be equal to 2.3 log of k. Then हमारे पास cell potential की ये value होगी. और यहां से अगर आप k की value find करना चाहें तो हम दोनों sides का anti log ले लेंगे. अब हमने तीन क्वांटिटीज की रिलेशनशिप पढ़ ली, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सेल कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये गिब्स फ्री एनर्जी की स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी दिस वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. इन तीन में से अगर दो वैल्यूज गिवन हो तो
तो हम तीसरी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर वन, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन टिन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड क्यूप्रिक आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड टू क्यूपरस आयन। इस सेल में टिन की ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस वन में जा रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है, क्यूप्रिक आयंस आर बीइंग कन्वर्टेड टू क्यूपरस आयंस। I think it should be written like this because one mole of tin is losing 2 moles of electrons. Yeah, it should be written 2 here. अब आपने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये अंदाज़ा लगाना है कि इनका सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये जैसा कि यहाँ से नज़र आ रहा है, टिन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मीन टिन इज एक्टिंग एज एनोड एंड कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड। तो कॉपर के इस रिएक्शन का अब हमने सेल का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे रिएक्शन गिवन हैं, कॉपर से क्यूप्रस आयन बनने का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और है। अगर कॉपर और क्यूप्रिक आयन का इक्विलिब्रियम हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है, और यहां पर क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट हो रहे हैं क्यूप्रस आयन में, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी ये वैल्यू है। और स्टेनिक, ये टिन जब टू पॉजिटिव स्टेट में जाता है तो ये स्टेनस आयन बनाता है, और जब ये फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो स्टेनिक आयन बनाता है। नाउ टिन इज बीइंग कन्वर्टेड टू स्टेनस आयन एंड क्यूप्रिक आयंस आर being reduced to cuprous ion. Conversion of tin into stainless ion for this reaction, this is reduction potential. Now we will calculate cell potential from this equation, aur iski value 0.29 volt. Ab cell potential or EMF has positive value, therefore Gibbs energy change will be negative एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और ये सेल पोटेंशियल को यहां हमने ई नॉट सेल से लिखा है, इसको आप सिंपली ई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज दिस वन, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, इट मीन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगेन लेट मी से सेल पोटेंशियल may be represented by E naught cell or simply by E naught। सेल पोटेंशियल को हम ई नॉट सेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपली अगर सेल लिख ली ई नॉट लिख लिया जाए तो भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दोनों ही तरीके सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के यूज हो रहे हैं। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई नॉट ऑफ सेल इज दिस वन, यहां पर अब हमारे पास
आर की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू भी है, के की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। इन आर सेल दैट इज सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.29। आर की ये वैल्यू, ये है टेम्परेचर की वैल्यू, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ फैराडेज कॉन्स्टेंट। यहां पर 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, देयरफॉर एन इज 2। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ के इज दिस वन। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ई की पावर बनाया दोनों साइड्स को, यहां से इसको जब ई की पावर बनाया तो नेचुरल लॉ खत्म हो गया, नॉट 22.59 आर 22.6। इसको जब ई की पावर बनाया, वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ के। अब यही वैल्यू हम गिब्स एनर्जी चेंज से भी फाइंड कर सकते हैं। ई नॉट की यही वैल्यू, चूंकि हमने ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, एंड वी हैव रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वेल फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यही वैल्यू, ये जो के की हमने वैल्यू फाइंड की है 6.53 × 10⁻⁹, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एज वेल, एंड वी नो डेल्टा जी इज दिस वन, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन नेचुरल लॉग ऑफ के इज दिस वन। यहां पर अगर आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, आर और टी की वैल्यूज पुट करें, नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, देन वैल्यू ऑफ के हैज बीन कैलकुलेटेड। अगेन वी गॉट सेम वैल्यू ऑफ के, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। सिमिलर एग्जाम्पल मे कम इन मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन सिल्वर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड फेरस आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड। 1 mole ऑफ सिल्वर आयन रिलीजेज 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 1 mole ऑफ फेरस आयन अब्सॉर्ब 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिल्वर के साथ भी 2 multiply कर दिया। सिल्वर इज एक्टिंग एज एनोड एंड फेरस आयरन इज एक्टिंग एज कैथोड बिकॉज आयरन आयन्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, एंड सेल पोटेंशियल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस। This is standard redox potential for reduction of ferrous ion, and this is standard redox potential for silver. अब standard cell potential की value आ गई है negative में, it means this process is non-spontaneous. इसकी अब Gibbs free energy change positive में होगी। यहां देखें n, f और e naught of cell की हमने value put कर दी, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव में है, इट मीन दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना चाहें, ये देखें अगेन सेम एक्सप्रेशन यूज होगी, ये सेल कांस्टेंट सेल पोटेंशियल की हमने वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन, वी आर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमने यहां पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, आर टी एन एफ की वैल्यू पुट कर दी, देन वैल्यू ऑफ के इज वेरी वेरी लो,
इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड्स को हमने e की पावर बनाना है. वैल्यू ऑफ k इज दिस वन, 10^-42, वेरी स्मॉल वैल्यू, टू स्मॉल टू बी कंसीडर्ड. नाउ एग्जांपल 3, वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन वेयर गोल्ड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कैल्शियम आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड. 1 mole of gold loses 3 moles of electron and 1 mole of calcium absorbs 2 moles of electron. ये देखें, 1 mole of gold releases 3 moles of electron and 1 mole of calcium ion absorbs 2 moles of electron. तो equation को balance करने के लिए, बैलेंस करने का मतलब है कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गोल्ड रिलीज करे उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कैल्शियम अब्सॉर्ब करे. इसलिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के साथ नहीं होगी, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई 2 and we have multiplied equation 2 by 3 so that number of moles of electron should be same. Now we have calculated standard cell potential. This is reduction potential for calcium and this is reduction potential for gold and this is standard cell potential. Again it has negative value, it means value of Gibbs free energy change will be positive and process will be non-spontaneous. Gibbs free energy change has this value. इसको अगर आप किलोजॉल में लिखना चाहें 2530.23 किलोजॉल पर मोल. अगेन लेट मी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इस इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, आर टी एन और एफ की वैल्यू पुट कर दी. Then value of k is too small to be calculated. K की value है e power minus 1021 and that is very very small value, too small to be considered. अब तक हमने standard condition को discuss किया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, यानी अगर आप इलेक्ट्रोड को 1 molar सॉल्यूशन में डिप ना करें, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो और अगर गैस का प्रेशर 1 atmosphere ना हो, देन व्हाट विल हैपन. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.